नमस्कार फ्रेंड्स, मुझे सुनील आपको स्वागत करुच्चर यूट्यूब चैनल को। तेज आसतु जान ना आज सकाल पांचटी ताजा खबर कौन कौन रही। द्वादश पास सरकारी चाकरी खोजुवा युवकों पर भल खबर। ओडिशा अधस्थन कर्मचारी चयन आयोग लैब टेक्नीशियन पदर आवेदन विज्ञप्ति जारी रही। पदर आवेदन करने आउ मात्र चार दिन समय बाकी रही। एमती भी आशाई जपर्यंत जाए आवेदन करें अफिशियल वेबसाइट को तुरंत आवेदन कर दिखाँ। ओएसएससी लैब टेक्नीशियन पदर प्राय हजार खाली पदर निजुक्ति आवेदन प्रक्रिया 1 डिसेंबर ठार आरंभ हो जाकि ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख रही 21/12/2021 एवं ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट रो अंतिम तारीख रही 25/12/2021। एही पदवी पे आयुसीमा 21-32 वर्ष मध्य होता निहती दरकार। से भाई एससी एसटी वर्ग में आयुसीमा को सर्वाधिक 5 वर्ष छाड़ मिल। तेज आवेदन करने पूर्व भल भाव ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ी एवं आवेदन करूँ। एवं सुन चल आज सका द्वितीय बड़ खबर उपरे टॉक्टेलिक मामलें सोशल मीडिया कंपनी गुड़ को कटकणा लगवाई प्रस्तुति चली। गुरुवार दिन व्यक्तिगत तथ्य सुरक्षा बिल उपरे संसदीय कमिटी रिपोर्ट राज्यसभा और लोकसभा उपस्थित होता। डाटा लिक रोकने संसदीय कमिटी आईन में अनेक व्यवस्था करने को सुपारिश कर। यह अधीन कदि डाटा उल्लंघन हुए अर्थात जदि तथ्य लिक हुए तेज कंपनी गुड़ उपरे 15 कोटी टंका पर्यंत जोरिमाना लागू कर। अन्यथा जोरिमाना आकार में कारबार 4% आदाय कर। छोट उल्लंघन कंपनी गुड़िक 5 कोटी टंका किंबा विश्व कारबार 2% देवा पड़े। जदि सरकार यही प्रावधान सबको सरकार आईन में सामिल करती तेरे फेसबुक इंस्टाग्राम गूगल और आमाजन भाई कंपनी गुड़िक भारत में डाटा को नहीं सतर्कता अवलंबन करेंगे। व्यक्तिगत तथ्य सुरक्षा बिल 2019 सब नियम रहा सहित किसी मात्रा यह संशोधन कर। आज तृतीय बड़ खबर जहाँ रही मात्र 29 टंका निवेश करी पाई परिवे आपनो 4 लाख टंका। जदि आपन केउठारे निजर टंका को निवेश करबा को चाहुछथि ताहाले ए खबर खास करी आपन को भाई। आज हम आपन को भारतीय जीवन बीमा निगम एक बहुत बढ़िया स्कीम विषय जनवाक जाऊँ। एलआईसी पॉलिसी उपरे लोके बहुत विश्वास करती कहीं टंका निवेश कले आपन को ठकामी भय रहइबो नाही। एलआईसी मझे मझे बहुत भल भल पॉलिसी लॉन्च करे। एबे महिला को आत्मनिर्भर करने एक बहुत खास पॉलिसी नहीं आसी एलआईसी। एलआईसी यही पॉलिसी महिला मान को ध्यान रखी याई योजन नाम एलआईसी आधारशिला योजना। एलआईसी स्कीम 8-95 वर्ष महिला निवेश करेंगे। यही प्लान आपन को लक्ष लक्ष टंका भी देपे। आपन प्रत्येक दिन 29 टंका जमा कर 4 लाख टंका पर्यंत राशि पाई। एलआईसी आधारशिला प्लान निज ग्राहक को सिक्युरिटी एवं सेविंग्स उभय देथाय किंतु एहर फायदा केवल सेही महिला उठाई पारे जो मानकर आधार कार्ड अच्छी मैच्योरिटी उपरे पॉलिसी धारक को टंका मिली जाए। एलआईसी आधारशिला स्कीम अनुजाई मिनिमम 75,000 टंका एवं मैक्सिमम 3 लाख टंका पर्यंत निवेश करिपारे। एवं आसतु जान ना आज चतुर्थ बड़ खबर जहाँकि रही देश में ओमिक्रॉन आक्रमण संख्या 101 छुईला। एवं सुधा देश 11 राज्य को व्यापिला ओमिक्रॉन करोनार नुआ भेरियंट। स्वास्थ्य मंत्रालय सूचना मुताबक एवं सुधा महाराष्ट्र सर्वाधिक 32 ओमिक्रॉन संक्रमित चिन्हट हो सहित दिल्ली 22 जन राजस्थान 17 जन कर्णाटक और तेलंगाना 8 जन लेखाएं ओमिक्रॉन संक्रमित चिन्हट होती सहित गुजरात 5 जन केरल 5 जन लेखाएं संक्रमित चिन्हट होती व्यतीत आंध्रप्रदेश चंडीगढ़ तमिलनाडु और पश्चिमबंगर जन लेखाएं ओमिक्रॉन संक्रमित चिन्हट होता स्वास्थ्य मंत्रालय सूचना देती। नकली शिक्षक और शिक्षयित्री को धरने को गणशिक्षा विभाग निर्देश। जाल प्रमाणपत्र धारी प्रति निजी कड़ा कार्यानुषान। गणशिक्षा विभाग पक्ष 15 श्रुति नियमावली जारी निर्देशक और शिक्षा अधिकारी सचिव चिठी। राज्य में एककालीन 6131 शिक्षक और शिक्षयित्री को निजुक्ति मिलता बेले द्वितीय पर्याय प्रक्रिया प्रस्तुति चली। अंपक विभिन्न जिले में जाल प्रमाणपत्र निजुक्ति पाई शिक्षक और शिक्षयित्री विरुद्ध कड़ा कार्यानुषान ने सुपारिश कर विद्यालय और गणशिक्षा विभाग। एने समस्त निर्देशक जिला शिक्षा अधिकारी डीओ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बीओ को विभाग पक्ष कड़ा निर्देश दी जाएगी। केन्द्रीय कर्मचारी एक खुशी खबर। ख्रीष्टमास अवसर में प्राय 48 लक्ष कर्मचारी और केन्द्र 60 लक्ष पेंशनधारी को केन्द्र सरकार एक बड़ उपहार दे पारती। 18 मास बकेया सरकार खूब शीघ्र एक बड़ निष्पत्ति पारे आशा कर।
बकाया दाबी उपरे कर्मचारी संगठन जिद धरिछन्ति एवं सरकारक सह आलोचना चलिछि। क्रिसमस पूर्वरु कैबिनेट सचिवक सह एही प्रसंग उपरे आलोचना करा जायछि। बांग्लादेशर ढाकारे अनुष्ठित एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी रे पाकिस्तान को चितपटांग करिछि भारत। पाकिस्तान को 3-1 गोल रे मात देछि भारतीय हॉकी दल। भारत पक्षरु हरमनप्रीत सिंह 2 गोल स्कोर करछन्ति। आकाशदीप सिंह मध्ये गोटे गोल देछन्ति। तृतीय क्वार्टर रे पाकिस्तान पक्षरु जुनैद मनोजर एक मात्र गोल करने को सक्षम होती। टोक्यो ओलंपिक रे ब्रोंज पदक विजेता भारत पूर्व मैच रे बांग्लादेश को 9-0 गोल रे हराई थिला। दिलप्रीत सिंह हैट्रिक गोल स्कोर करी थिले।